हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 498 में जब FIR हो जाती है और सपोज आपका जो है क्वाशिंग का केस नहीं है, फिर क्या करे, फिर क्या ऐसा चीज करे जिससे जो है आप जो है बरी हो जाए और केस जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो और आपको ये पता लग जाए कि आपका जो केस है वो आपके फेवर में है। देखिए, अब 498 ए की जो इनिशियल क्या होता है, हमारे जो लीगल फेटर्निटी है वो पहले चेक करती है कि क्या वो केस क्वाशिंग के लिए फिट है। अगर क्वाशिंग के लिए आपका फिट है केस, तो हाईकोर्ट से आपका कोई केस जो है बिल्कुल क्वाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट क्या होता है कि सिर्फ 5% केसेस ही ऐसे होते हैं जो क्वाश हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्वाश होने में। 80-90% पॉसिबिलिटी है, इवन 100% पॉसिबिलिटी कई केसेस में होती है जो क्वाश हो सकते हैं। बट कई केस जो 95% के बाकी के केस हैं, वो जो है आपका जो है ट्रायल की ओर जाते हैं, जो पूरा ट्रायल चलेगा उसमें, और उसके बाद ही जो है जज साहब जो है फैसला देंगे कि आपको एक्विट करना है या कन्विक्ट करना है 498 के केस में। पर आपको जो है आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है आपका केस एक्विटल का है या आपका केस कन्विक्शन का है, ये कैसे पता चलेगा? केस को देख के कैसे बताएं कि आपका जो केस है वो आप इक्विटल कैसे जो है अपना सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है 498 के केस में जनरली क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जैसे FIR हो गई, कंप्लेंट हो गई, FIR हो गई, ठीक है। आप कह रहे हैं आप झूठी कंप्लेंट है, ठीक है, मे भी झूठी हो सच्ची हो, वो तो कुछ कोर्ट को डिसाइड करना है। पर आपने ये कह दिया कि आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हुए हैं। अब क्या है कि क्या होता है कि 498 की FIR का अगर आप कंटेंट देखेंगे, उसमें तो यही लिखा होगा कि जो एलिगेशन है मारा पीटा दहेज की डिमांड और ये सब चीजें हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो आपको उसके आगे बढ़ना है। आगे मतलब ये तो FIR हो गई, FIR के बाद पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है कि चार्जशीट में क्या है, चार्जशीट में क्या मेडिकल है, अगर मारपीट का इल्जाम लगाया मेडिकल है या नहीं है, अगर है तो क्या उसकी रेलेवेंसी है, मेडिकल का भी कब हुआ मेडिकल, और क्या वो कंप्लेंट से मैच करता है जो कंप्लेंट में कहा कि सपोज टांग में मारा और मेडिकल में कुछ खरोचे आई गाल में, तो क्या वो कंप्लेंट और मेडिकल मैच करता है? आपको ये देखना, पहले तो देखना मेडिकल है या नहीं है। मोस्टली केसेस में मेडिकल ही नहीं होता है तो वहां पे तो वैसे ही आपका एक्विटल हो जाना है। तो सेकेंड स्टेप ये देखना है जो एलिगेशन है उसमें जो विटनेसेस है वो क्या है, क्या वो घर के अंदर हुए एलिगेशन या घर के बाहर हुए। जो घर के अंदर है उसमें तो सिर्फ वाइफ ही विटनेस होगी अपने, जो भी वो गवाही दे रही है वो कोरैबोरेशन के लिए क्या एविडेंस यूज करिएगा, हमें रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपके अगेंस्ट, अगर है तो वो किस टाइप की है, किस नेचर की रिकॉर्डिंग है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है ना कोई मेडिकल है, तो फिर वो कोरैबोरेशन नहीं हो पाएगा। जो वाइफ कह रही है उसको जो है वेरिफिकेशन कैसे करोगे, क्या वाइफ के कहने पे ही कन्विक्शन हो जाएगी क्या? आपको देखना है कि वाइफ क्या एविडेंस ला रही है चार्जशीट के टाइम पे। आपको जो है 207 CRPC में पूरी की पूरी चार्जशीट की कॉपी आपको मिलनी जो है मैंडेटरी है एज पर लॉ। और अगर आपके पास ये सब चीजें देखिए कि सबूत क्या लाई है वो, और विटनेसेस कौन कौन है। अगर अगर वो कहती है कि पंचायत में मांग की, पंचायत में से कौन से पंच है जो आपके फेवर में गवाही दे रहे हैं या आपके अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं, तो अगर आपके फेवर में गवाही दे रहे हैं तब भी आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है एक्विटल का केस है। अब कन्विक्शन का केस कहाँ कहाँ होता है, जहां बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन पे कि 498 के केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है केस अपना। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है क्या, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये है कि कोई आशंका ना रहे, यानी जो जैसे 498 में उसने कहा कि मेरे को मारा पीटा दहेज के लिए, मारने पीटने का मेडिकल भी है, कोई बाहर अगर मारपीट आई हुई है पब्लिक में, मेरे को पब्लिक विटनेसेस भी है, और अगर सपोज पंचायत में हुई है मारपीट आई है, पंचायत में मांग की गई है, तो पंच इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपके अगेंस्ट गवाही देते हैं तो मतलब आपका केस बहुत वीक हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि विटनेसेस कौन कौन है केस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटनेसेस है, गवाह कौन कौन है उस केस में। अगर तो उसके माँ बाप और भाई गवाह है तो वो इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेबरों का क्या, नेबर्स का बयान भी, अगर घर में इतनी घटना हो रही है तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो नेबर भी इंटरफेयर करेंगे।
अगर कोई झगड़ा होता है, ऐसा झगड़ा होता है कि नेबर इंटरवीन कर रहे हैं और वहां पे आपने डिमांड करी है कि 5 लाख रुपए ला, 10 लाख रुपए ला, तभी तेरे को घर में रहने देंगे, ऐसे करके किसी नेबर ने आपके खिलाफ गवाही दे दी है, तब आपके अगेंस्ट केस जाएगा। उस नेबर को कैसे डील करना है क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, वो स्ट्रैटेजी बात की है। पर पहले आपको ये देखना है, इनिशियली आपको पूरा केस ऐसे देखना है कि विटनेसेस कौन कौन है उस केस में, वो क्या गवाही दे रहे हैं आपके खिलाफ। जनरली क्या होता है, माँ बाप जो है वो गवाही दे देते हैं, वो उनकी गवाही की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उनके सामने कोई इंसिडेंट नहीं हुए होंगे, उनको तो बस वाइफ ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके डिमांड करते हैं, तो वो हेयर से एविडेंस की कैटेगरी में आ जाता है। हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में, पर जो डायरेक्ट या सरकमस्टांशियल एविडेंस है वो जो है एडमिसिबल होता है। अब डायरेक्ट एविडेंस में जो भी विटनेसेस के आगे अगर बोली है, सरकमस्टांसेस में मेडिकल अगर है, तो आपके अगेंस्ट जो है केस बिल्डअप होता है। तो आपको यह देखना है कि क्या कितना नेचर का एविडेंस है आपके अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशन क्या लगी है। आपका एविडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसिक्यूशन का इस स्टेज पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो आपका केस जो है, ये सब चीजें हैं आपके केस में, ये सब चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब चीजें हैं, तो आपका केस वीक हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा एविडेंस आपके अगेंस्ट है, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कहते हैं। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमें डिसाइड करनी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है उसको भी डील करने का है। पर पहले अगर ये हम ज्यादातर केसेस देखते हैं, ये बेसिक चीजें ही नहीं होती हैं कि कोराबोरेशन ही नहीं है, वाइफ जो कह रही है वही ट्रुथ माना नहीं जाएगा, उसको कोराबोरेट करना पड़ेगा, मेडिकल एविडेंस लाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं या नहीं है उस केस में वो देखना पड़ेगा। अगर है तब अलग स्ट्रैटेजी है, नहीं है तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, फिर तो आपका एक्विटल का केस है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वाइफ क्या प्रूफ ला रही है, वो चार्जशीट के टाइम पे ही आपको पता चलेगा, FIR के बाद जब चार्जशीट फाइल होगी तभी पता चलेगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स मैं आज बता रहा हूँ, ये अगर आपके केस में है 498A के या नहीं है वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको और इसके बारे में डिटेल अपना पर्टिकुलर केस डिस्कस करना, तो मैंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस आर्टिकल को पे जाइए तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी 498A के बारे में विद जजमेंट्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।